शनि को लेकर आम धारणा यही है कि ये व्यक्ति के जीवन में परेशानियां लाता है, लेकिन ये बात इतनी भी सत्य नहीं है। शनि ग्रह आपको वही देता है जो आप बोते हैं, यानी कि वो आपको आपके कर्मों का फल देता है। तो यदि आप शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मेहनत करें और खुद को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है और सभी ग्रहों में इसे न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि शनि कुंडली में जिस भी भाव में विराजमान होता है उस भाव पर तो असर डालता ही है, साथ ही तृतीय, सप्तम और दशम भाव पर भी इसकी दृष्टि पड़ती है। तो दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह सप्तम भाव में विराजमान है और आप जानना चाहते हैं कि इसका फल कैसा होगा, तो इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। जी हाँ, और यदि शनि देव आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है तो आपको इसका उपाय भी बताया जाएगा, जिसको करने मात्र से ही आप शनि ग्रह को शांत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें कि यदि शनि सप्तम भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर दुविधा की स्थिति में बना रहेगा और ऐसी व्यक्ति के करीबी दोस्त ही उसे धोखा दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस भाव में शनि के विराजमान होने की वजह से व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी भी खराब हो सकती है। वहीं यदि शनि मजबूत स्थिति में है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यदि शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में है तो वो तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि से आपके नवम, प्रथम और चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा। वहीं अगर शनि की तृतीय दृष्टि अगर नवम भाव पर पड़ती है तो ऐसा होने से आपका भाग्य आपका साथ देना छोड़ देगा। इतना ही नहीं, यदि शनि सप्तम दृष्टि से प्रथम भाव को देखता है तो उसके चलते शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानियां आ सकती हैं। और अगर दशम दृष्टि से शनि चतुर्थ भाव को देखता है तो इसकी वजह से आपके अपनी माता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी कुंडली में शनि की स्थिति के अनुसार उपाय कर देते हैं तो आप कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। जी हाँ, जिसका एक सरल सा उपाय है कि काले उड़द को नदी में बहा दें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।